ह्यूस्टन में आ चुकी हूँ पहले भी, खासकर आज का ये जो आर्य महासम्मेलन है जहाँ मेरे पूज्य पिताजी को सम्मानित किया गया था और किया जा रहा है, तो मेरे लिए मुश्किल भी है, लेकिन उनका जीवन कैसा रहा होगा, कैसा था, उनकी बेटी होने के नाते मैं इसको काव्य रूप में व्यक्त करना चाहूँगी। 9 साल पहले की बात है, मेरा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और 12.5 घंटे का ऑपरेशन था। मेरे पिताजी, मैं ऑपरेशन रूम से 3 दिन बाद निकली क्योंकि मैं कोमा में चली गई थी, तो मेरे पिताजी ने बिल्कुल पानी तक नहीं पिया और जो कमरा मेरे लिए रजिस्टर्ड था वहाँ बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि मैं देवबाला का क्या मुझे संस्कार करना पड़ेगा। फिर 4th दिन मेरी सांस फिर से आने लगी, बिकॉज आई वॉज ऑन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मशीन, सो दिस इज़ माई 2nd life। एंड उस समय जो मैंने अपने लिए लिखा, क्योंकि तब भी लोग कहते थे मुझसे कुछ सुनाओ, भयभीत हैं सबेरे ऐसे मैं क्या सुनाऊं। नहीं, ये हमेशा मुझे तंग करता है, ये पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, बहुत सॉरी, माफ करिए, डोंट डिस्टर्ब मी। तो ये मैंने उस समय जो मेरी भावनाएं थी उस समय कि संसार से जाना तो है अब मुझे, तो उस समय मैं लेटे लेटे मैंने ये कविता लिखी थी कि मेरे अंदर की अब क्या भावना है, सब चीज़ मुझे, सब जगह मुझे अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। तो आपने कहा कुछ सुनाओ, तो ये 4 पंक्तियाँ मैं सुनाती हूँ कि मेरी उस समय क्या हालात थी। भयभीत हैं सबेरे ऐसे मैं क्या सुनाऊँ, हर ओर हैं अंधेरे ऐसे मैं क्या सुनाऊँ, सारे चमन में डाले वीरानियों ने घेरे, वीरान हैं बसेरे ऐसे मैं क्या सुनाऊं, ऐसे मैं क्या सुनाऊं, फूलों से क्या शिकायत, शूलों से क्या शिकायत, उनका है काम चुभना, कलियों ने नैन तरेरे ऐसे मैं क्या सुनाऊं, कलियों ने नैन तरेरे ऐसे मैं क्या सुनाऊं, सांपों का फन कुचल कर निश्चिंत जब हुए सब, सांपों का फन कुचल कर निश्चिंत जब हुए हम, डसने लगे सपेरे ऐसे मैं क्या सुनाऊं, डसने लगे सपेरे ऐसे मैं क्या सुनाऊं, जो तुझको है वो मुझको, जो मुझको है वो तुझको, हैरानियों ने घेरे ऐसे मैं क्या सुनाऊं, हैरानियों ने घेरे ऐसे मैं
मैं क्या सुनाऊं। ये कविता मैंने अपने पिताजी को सुनाई थी ऑपरेशन के बाद, जब मैं वहाँ से जिंदा लौटी, तो मेरे पिताजी ने, शायद उन्हीं की प्रार्थना थी कि मुझे फिर से इस ज़िंदगी में जीने का मौका मिला है। अब मैं पिताजी के लिए जो लिखा है मैं आपको सुनाना चाहूँगी। आज सुबह ही मैं सोच रही थी, लेकिन मुझे ये लोग नैसा ले गए, पता नहीं क्यों ले गए, मुझे बिल्कुल घूमने का शौक नहीं है, ज़बरदस्ती ले गए, तप तपा के वहाँ से चली आई। कई बार विष का, ये पिताजी के लिए है, कई बार विष का समंदर पिया था, तब जाके थोड़ा सा हमने जिया था। कई बार विष का समंदर पिया था, तब जाके थोड़ा सा हमने जिया था। छीना था दामन का तार तार उनने, छीना था दामन का तार तार उनने, कहते हैं तुमने हमें क्या दिया था, कहते हैं तुमने हमें क्या दिया था। वही चोट करते हैं आज दिल पर, वही चोट करते हैं आज दिल पर, जिनके ही जख्मों को हमने सिया था, जितने ही जख्मों को हमने सिया था। कई बार मर मर के जिंदा हुए हैं, अपनी कब्र पर पड़ा मर सिया है। कई बार मर मर के जिंदा हुए हैं, अपनी कब्र पर पड़ा मर सिया है। कहूँ मेरे किसको जहाँ मेरे अपना, कहूँ मेरे किसको जहाँ मेरे अपना। अरे करूप बहुरूपिया है, हर एक चेहरा तो बहुरूपिया है। कई बार विश्व का समंदर पिया था, तब जाके थोड़ा सा हमने जिया था, तब जाके थोड़ा सा हमने जिया था। पिताजी आपको शत शत प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद। उनकी आत्मा से शायद आशीर्वाद ही मिला है और मिलता रहे, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। ओम शांति।